आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कांग्रेस की उत्पत्ति सेफ्टी बॉल के रूप में हुई, इस पर आपके क्या विचार है? गरम दल और नरम दल की दोनों की विचारधाराएं, दोनों में अंतर, दोनों की उपलब्धियाँ क्या है, ये सवाल आपको आना चाहिए। मुस्लिम लीग का उदय आपको आना चाहिए। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ और उसका असर क्या पड़ा वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। कामागाटा मारू की जो घटना घटी वो क्या थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। और जो स्वराज पार्टी है उसकी क्या उपलब्धियां रही ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके बाद ही भारतीय राजनीति के अंदर जो गांधी जी का उदय है, गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन है, चंपारण आंदोलन हो गए, चाहे खेड़ा आंदोलन हो गया है ना, या अहमदाबाद मील आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही क्या भारत का जो विभाजन है वो टाला जा सकता था, गांधी जी की इसमें क्या भूमिका थी, इस पर अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसके साथ ही भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता का उदय हुआ उसके पीछे कौन कौन सी पृष्ठभूमि थी, कौन कौन से कारक थे, ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके साथ ही जो बड़े सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपको पता है जो प्रमुख समाज सुधारक है उनका योगदान क्या है, जैसे कभी स्वामी विवेकानंद जी पूछ लेते हैं, कभी आर्य समाज का पूछ लेते हैं, तो उनका जो योगदान है उसके लिए आपके पास में भाषा होनी चाहिए। तर्कवाद की स्थापना, बुद्धिवाद की स्थापना, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन है ना, कोई साहित्यिक योगदान है, कोई संस्थाओं की स्थापना है, उस पर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसी तरीके से अगर वापस में बात करूँ तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये अच्छे सवाल है, अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इसके साथ ही बात करूं तो महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनका योगदान अच्छे तरीके से आना चाहिए। और भारत के अंदर जो आंदोलनकारी घटनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन को जो बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है वो घटनाएं आपको आनी चाहिए। और विशेष रूप से बात करूं तो भारत के अंदर जैसे ब्रिटिश लोग तो आतंकवाद कहते थे, हम तो राष्ट्रवादी चेतना का उदय की बात करेंगे, तो भारत के अंदर जो आतंकवाद का जो उदय हुआ भारत के अंदर और विदेशों के अंदर, जैसे विदेशों के अंतर्गत लाला हरदयाल ने क्या किया, मैडम कामा ने क्या किया, और भारत के अंदर जो वामपंथ का उदय है और जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये मोटे मोटे सवाल है और ऐसे ही सवाल आप सिलेबस पे फोकस करोगे ना, हर सिलेबस के अंदर आप 40-50 सवाल अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और उन पे लिख लिख करके अभ्यास कीजिए। आपको लगेगा स्वराज पार्टी में लिखना क्या है, लिख देंगे, लेकिन लिखा नहीं जाता। आपसे कहा जाए कि भारत की राजनीति के अंदर गांधी जी का योगदान 100 शब्दों में तो लिखना बहुत मुश्किल है, और वो तभी हो पाएगा जब आप घर पे अभ्यास करेंगे। और मैं कहता हूँ ऐसी तैयारी आप भूगोल में कीजिए, 50 इंपॉर्टेंट सवाल छांटिए, और हिस्ट्री के अंदर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत के अंदर भी 10-10 सवाल ऐसे छांटिए। आप देखिए कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास में देखो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत नगर नियोजन पर क्या पूछा जा सकता है, ये सोचिए और 50 शब्दों में तैयार कर लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर नगर नियोजन। इसी तरीके से चित्रकला, मूर्तिकला है ना, स्थापत्य कला, संगीत कला, साहित्य का विकास, हर युग के अंदर आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और मेंटली एक्सरसाइज जैसे कीजिए बिल्कुल, जैसे मान लो चित्रकला है तो आप सोचो कि अकबर के काल में चित्रकला, जहांगीर के काल में चित्रकला, शाहजहां के काल के अंदर चित्रकला, हर टॉपिक को इस तरीके से तैयार कीजिए। भाई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा वो आपसे पूछे कि मुगल कला में चित्रकला का विकास कैसे हुआ, सिर्फ यूँ पूछ सकते हैं जहांगीर के काल के अंदर चित्रकला का विकास कैसे हुआ। बेस्ट ऑफ लक।